बार इस पेड़े को हम टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई में क्या ये इतना टेस्टी है जो ऑर्डर्स पे बनाया जाता है यहाँ पे। 600 में मिलेगा आपको। आपने ऊपर जाके कहीं कैंपिंग करनी है, जैसे काला बाग हो गया आपका, खड़ाच हो गया, ऊपर सीधी जगह, बहुत सारी लोकेशन अच्छी है। अगर कोई दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको अच्छी चीज़ें महंगे रेस्टोरेंट में मिले या बड़ी बड़ी जगह पर मिले। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे मोटे सेटअप होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा हेल्दी और टेस्टी फूड मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। सो लास्ट का ब्लॉग आपने देख लिया होगा, चूड़धार की राइड और ट्रैक। सो अभी मैं खड़ा हूँ उड़ाह में, जो सरा से 3 किलोमीटर ऊपर है, और यहीं से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और वापस मैं यहीं पे आ चुका हूँ। सो यहाँ पे ना काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर का ट्रैक है, और नौलाधार से हम कंपेयर करें तो वहाँ से 20 किलोमीटर का है। सो सबसे बड़ा डाउट हमारे पास यहाँ रहता है कि क्या यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह मिलेगी या कुछ खाने का मिलेगा। तो हाँ, यहाँ पे रहने की जगह मिल जाएगी आपको सराय में ऊपर। यहाँ पे भी छोटी मोटी शॉप्स हैं या कैंपिंग की साइट्स हैं जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। सो आज मैं आपको कुछ खास दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर आपको बर्फ़ी के पेड़े मिलेंगे जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर। सो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। सो दोस्तों, अभी बात करते हैं सुरेंद्र रावत जी से जो कि ये ढाबा चलाते हैं। सो सर, आप कितने टाइम से इस ढाबा को चला रहे हो? ये भैया अभी 10-15 दिन ही हो रखे हैं, नया ही सेटअप बैठा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आप सीजनल चलाते हो इसको? सीजनली चलाते हैं जी। तो ये चलती है, कब से स्टार्ट करते हो इसको? ये सर हमारा वैसे तो जुलाई वगैरह से हो जाता है स्टार्ट। अच्छा अच्छा, तो सर मेरे को इसका, आप जो पेड़े आपके काफ़ी मशहूर हैं, इसका प्रोसेस बनाओगे आप? अच्छा, बताओगे आप कैसे बनाते हो पेड़ा? सर ये चीनी में बनेगा, खोए दूध का खोआ बनाते हैं पहले, उसमें फिर पेड़ा करके मैच करते हैं, जैसे आपका काजू बादाम वगैरह और इलायची वगैरह में इसको मैच करके फिर इसको 3-4 घंटे में ना तैयार कर देते। और इसमें आप दूध के अलावा और क्या डालते हो इसमें? और कुछ नहीं सर, ये काजू बादाम वगैरह इलायची। अच्छा जी, तो इसमें कितना कम ज़्यादा रेशो रहती है, इतना टेस्टी है कि ज़्यादा बिक रहा है? दूध में बनता है, तो इसमें आप कुछ मिक्स भी करते ही होंगे? बाकी काजू बादाम वगैरह कुछ पाउडर वगैरह तो नहीं मिक्स करते हैं? नेचुरल बनता है। नेचुरल बनता है। ओके, तो इसमें सर कुछ टेस्ट कर सकते हैं हम एक बार? बिल्कुल। और ये अलग अलग तरह के आपने रखे हैं, इनमें से डिफरेंस क्या है? ये 400 है जी, ये 450 है, ये 500। तो इसमें क्या फर्क है, क्यों इतना डिफरेंस? ये कम मीठे का है जो इधर से थोड़ा तेज मीठे का है। और ये बीच वाला? बीच वाला ये सिर्फ शुगर का डिफरेंस है इसमें, शुगर का है, बाकी इसमें काजू बादाम मिला है, इसमें काजू बादाम नहीं। ये विदाउट ड्राई फ्रूट्स है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं आपने, इलायची वगैरह। दोस्तों एक बार इस पेड़े को हम टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई में क्या ये इतना टेस्टी है जो ऑर्डर्स पे बनाया जाता है यहाँ पे। तो टेस्ट तो इसमें है, भैंस के दूध से बनाया जाता है सर ये स्पेशली भैंस के दूध से बनाया जाता है, और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम बात करें तो। कोई इसमें केमिकल या पाउडर वगैरह ऐड नहीं किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए जाते हैं। सो दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको अच्छी चीज़ें महंगे रेस्टोरेंट में मिले या बड़ी बड़ी जगह पे मिले। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे मोटे सेटअप होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा हेल्दी और टेस्टी फूड मिलता है, जो कि सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर लंच कर रहा हूँ, लंच भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या भाई ने बनाया है, उसके बाद फिर लोकेशन आपसे शेयर करूँगा कि आपको यहाँ पर अगर आते हैं तो कहाँ पर जाना है। सो एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं लस्सी कैसी बनी हुई है। हाँ, मज़ा आ गया, बिल्कुल घर की देसी लस्सी लाए हैं भाई स्पेशली, इन्होंने घर बोला था कि आपके लिए लेके आएंगे, और खाना भी एक बार आपको दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे कैसा बने। मिक्स दाल और चावल बने हैं, बहुत अच्छा खाना है। अगर मैं बात करूं प्राइस की तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है, और साथ में सैलेड और चटनी वगैरह सारा कुछ आपको साथ में मिलेगा। सो दोस्तों, अभी मैंने लंच कर लिया है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, काफ़ी कोऑपरेटिव और स्टाफ है इनका, और काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ पे खाना बनता है। बहुत अच्छा लगा सीरियसली हमें इनसे मिलके, बहुत अच्छे लोग हैं ये। एक बार हम भाई से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर यहाँ तक आना है तो किस तरह से हम यहाँ आ सकते हैं। हेलो भैया, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर मुंडाल आनी है, सरा से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से चूड़धार का ट्रैक ही देखो सामने। यहाँ मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि खाना वगैरह नहीं मिलता, यहाँ सारा मैनेजमेंट मिलता है, खाने का भी मिलता है, रहने के लिए हमारे पास कैंपिंग का पूरा सामान है, जैसे टेंट वगैरह हम लगा सकते हैं। क्या प्राइस है यहाँ से टेंट लेके हमें जाना ऊपर? हमारा प्राइस है टेंट का भैया 500 रुपये टेंट है, पर पर्सन स्लीपिंग बैग देते हैं हम 100 रुपये, उसके साथ ऐड होता है, जैसे मान के चलो एक टेंट ले जाना है आपने। प्रॉपर सेटअप में 600 का मिलेगा? हाँ जी, 600 में मिलेगा आपको।
आपने ऊपर जाके कहीं कैंपिंग करनी है, जैसे काला बाग हो गया आपका, खड़ाच हो गया, ऊपर सीधी जगह बहुत सारी, लोकेशन अच्छी है। अगर कोई पर्सन ऐसा चाहे कि अगर दोस्त को टेंट चाहिए और ये चाहिए कि वो कोई ऊपर छोड़ दे, तो उसके कितने चार्जेस लगेंगे? उसके चार्जेस तो सर कुछ नहीं लेते हम लोग ऐसे, बट मैनेजमेंट मैक्सिमम ये रहता है कि लोग खुद ले जाए। एक हमारे पास कैरी बैग होता है, उसमें टेंट डाल के, स्लीपिंग बैग डाल के हम उसको पैक करके देते लोगों को, खुद कैरी करके ले जाते और वापस संभाल के यहाँ पे हमें देते हैं दूसरे दिन। तो दोस्तों इनके पास आपको कैंप्स भी मिल, कैंप्स के लिए टेंट्स भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा इनके पास एक प्रॉपर सेटअप है। खाना मिल जाएगा, फेमस यहाँ की बर्फी है वो मिल जाएगी आपको। सो आप जब भी आएँ सराहा आएँ, तो यहाँ से ऊपर जहाँ भी गाड़ियाँ रुकती हैं 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके, कौन सी जगह का नाम बताया? मुंडालानी में। तो यहाँ पे आपके जस्ट यहाँ पे इनकी शॉप है, आप इस ढाबे पे रुक सकते हो, बिल्कुल शिरगुल ढाबा है, और बिल्कुल घर की तरह यहाँ पे आपको ट्रीट किया जाएगा। काफ़ी अच्छा बिहेव है इन लोगों का। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैं इनका नंबर आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, कभी भी आप चूड़धार आते हैं बाया सराह के, शिमला होके, तो यहाँ पे जरूर रुके और यहाँ पे आप खाना खा के और यहाँ की बर्फी का आनंद ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।